नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए कपड़े से एक बहुत ही सुंदर टॉप, गर्लिश टॉप बनाएंगे। तो मेरे पास दो कलर का कपड़ा बचा हुआ है, एक ये फ्लावर्स वाला है, एक ये प्लेन है। तो फ्लावर्स वाले का बॉडी और स्लीव्स बनाएंगे और नीचे की जो फ्रिल वगैरह, फ्लेयर्स वगैरह बननी है वो हम इसकी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपर बॉडी पार्ट कट कर लेते हैं। ये मेरे पास जो कपड़ा है बचा हुआ, उसका पहले हम अपर पार्ट कट करते हैं, जो हमारा जिसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। इसे हम पहले उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके हम इसे डबल कर लेंगे कपड़े को इस तरह। डबल करने के बाद हमने इसको एक फोल्ड और देना है। ये लीजिए, ये फोर लेयर में कपड़ा अब हो गया है। अब इसकी जो लेयर है वो फोर है। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड कर लिया ऊपर से। अब पहले इसको फिनिशिंग दे देंगे ऊपर से। हम इसको पहले क्लीन कर देते हैं कपड़े को, जो भी कमी या ज्यादा होगा वो अब निकल जाएगा। लीजिए, इसे हमने साफ कर दिया है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका तीरा लगाएंगे। तीरा लगाना है हमने 6.5 इंच तीरा हम लगा रहे हैं, 13 इंच तीरा इसमें लगेगा। मैं डार्क कर रही हूँ निशान को दिखाने के लिए। यहाँ पे हम 7 इंच का नीचे डाउन दे देंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। पहले हम छाती का नाप लगाएंगे। जो बस्ट का नाप है वो हमारे पास है 18 इंच। लीजिए, मैंने बस्ट का नाप लगा लिया है। और जो आर्म होल बनेगा वो हमारा कटेगा 7 इंच। ये हमारा आर्म होल का हो गया। यहाँ पे हम इसको इस तरह निशान लगाकर एक शेप दे देते हैं कटिंग की इस तरह। तो अब हमने जो बॉडी का ऊपर का पार्ट कट करना है, ये हमने 15 इंच रेडी रखना है। तो हम 16 इंच कट कर लेंगे। आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे से जाएगा। तो 16 इंच हमने टोटल कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर तो आप इसकी सिलाई दे रहे हो यहाँ पे, तो 16 इंच कट कर लो, नहीं तो आप आधा इंच और कट कर सकते हो। नीचे मैंने इसके ऊपर फ्रिल बनानी है, तो फ्रिल बनाने के लिए नीचे जो कपड़ा होगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे 17 इंच कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे कट करना था 16। यहाँ पे मैंने फ्रिल के कारण इसको 17 कट कर लिया है, अदरवाइज हम 16 कट करते हैं अगर फ्रिल नहीं बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको 17 इंच, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा काट लिया है रेडी से। तो यहाँ पे जो कमर का निशान है वो हमारा है 15 इंच। कमर का निशान हमारा 15 इंच है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं और यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब सभी को निशानों को हम इस तरह मिला लेते हैं आपस में। ये हमारा सिलाई वाला निशान है और ये हमारा पीछे वाला कटिंग वाला निशान है। तो पहले हम इसे कट कर देते हैं। इस तरह हमने इसे काट दिया। अब ये एक्स्ट्रा है हमारा, इसे भी कट कर देते हैं। ये देखिए, ये अपर पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसे इस तरह रख लेना है साइड में। अब हमने नीचे वाले हिस्से की, जो इसके नीचे फ्रिल लगनी है, उसकी कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैंने ये साइड का है कपड़ा, जो हमारा साइड से करनी वाला कपड़ा बच जाता है, इसको पहले देखिए। ये हमारा एक कपड़ा है डबल में, इस तरह डबल में है। तो अब हम इसे फोर लेयर में कर लेते हैं। ये लीजिए, इसे भी मैंने फोर लेयर में कर लिया है। और जो इसकी टॉप की लेंथ है उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा था ये हमारा 15 रेडी था, और जो नीचे वाला हमारी ये बेल्ट फ्रिल बननी है, ये हमने टॉप की लेंथ नापी है, ये 8 इंच हमने रेडी रखनी है। 8 इंच रेडी रखेंगे तो यहाँ से जाएगा पहले 1 इंच। 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और 8 इंच की हम फ्रिल लगा लेते हैं इस तरह। ये हमारी टोटल 9 इंच हो गया। 9 इंच का निशान बना लेते हैं यहाँ पे, टोटल 9 इंच का निशान बना लिया। और 1 इंच अब हमें यहाँ पे नीचे फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। ये हमारा टोटल 10 इंच कपड़ा हो गया। 10 इंच की हमने ये कटिंग कर लेनी है इस तरह। इसमें कोई भी शेप नहीं देनी किसी भी तरह की। इसे हमने बस सीधा कट कर लिया। सीधा कट करके यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कितना कपड़ा निकला है। ये थोड़ी सी फिनिशिंग दे देते हैं यहाँ पे। ये जो एक साइड से बचा है कपड़ा हमारा, ये हमारा 38 इंच है। मतलब टोटल हमारा ये घेर बना है जो, ये 38 इंच है इस तरह। तो इसको हम जब लगाएंगे इसके नीचे, तो हमने इस तरह फ्रिल बनानी है इसकी। मतलब इस तरह फ्रिल बनेगी हमारी, ये नीचे लगेगी। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। अब कटिंग करते हैं हम स्लीव्स की। तो स्लीव्स की कटिंग हमने करनी है प्रिंटिंग वाले कपड़े के ऊपर। स्लीव की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास फोर लेयर में कपड़ा लगा हुआ है, जैसे हमने पहले टॉप काटा था उसके नीचे का कपड़ा ये बचा हुआ है। तो अब हम पहले यहाँ पे
नीचे का हिस्सा लगा लेते हैं, यहाँ से आर्म होल की जो डाउन, इसकी डाउन डेप्थ देनी है वो 3 इंच लगा लेते हैं इस तरह, और जो इसका आर्म होल बनना है वो हम लगाते हैं यहाँ पे 8 इंच, 8 इंच के करीब लगा लिया है। और जो बाजू की लंबाई है वो है हमारी 7 इंच, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो बाजू का आगे का घेर है वो है 5 इंच, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा के ही ले लें कपड़े को, क्योंकि बाद में अगर कम हो जाए दिक्कत आती है, थोड़ा सा पहले ही ज़्यादा ले लो। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस शेप में, इस तरह हमने इसकी गोलाई में कटिंग कर दी, और यहाँ पे हमने इसके इसके साथ मिला दिया, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का ये कट कर दिया। ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब स्लीव के नीचे भी हमने फ्रिल लगानी है, इसके नीचे भी हमने फ्रिल बनानी है। जो फ्रिल बननी है वो हमारी बननी है 4 इंच की, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 इंच कपड़ा, ठीक है। जहाँ पे कुछ नाप लिया है उससे 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बेल्ट में भी, इसमें फ्रिल में भी, और नीचे की जो बॉडी की फ्रिल है उसमें भी 6 इंच हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ये लीजिए, और अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ से निकाल देते हैं, लीजिए। अब हमने फ्रिल की जो ये है, मतलब फ्रिल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो हमने कितनी लगानी है वो हम उस टाइम देख के लगाएंगे, तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे, और एक साइड से पहले इसकी साइड फोल्ड करते हैं। जैसे हमने साइडों में कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर लेंगे पहले, उसके बाद एक और फोल्ड दे देंगे इस तरह, जैसे हम नॉर्मल फोल्डिंग करते ही हैं कपड़े को। तो इसके ऊपर अब सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इसी तरह हमने जितनी 4 पट्टियाँ हैं हमारी, 4 पट्टियाँ इसी तरह फोल्ड कर लेनी है, और जो बखिया है सिलाई वाला वो आपने बारीक रखना है, यहाँ पे मोटा बखिया ना करें। ये देखिए, यहाँ से इस तरह मैंने फोल्ड किया हुआ है, दूसरी साइड अप करके दिखा रही हूँ मैं आपको। पूरी पट्टियाँ हैं जितनी भी, 4 हैं, जैसे चारों को आप इसी तरह सेम तरीके से फोल्ड कर लो। ये लीजिए, मैंने 4 पट्टियाँ फोल्ड कर ली हैं, पहले करके रख ली हैं आपको दिखाने के लिए। ये चौड़े वाली हैं दोनों, ये छोटे वाली हैं जो स्लीव के आगे लगनी है। तो चलिए अब पहले हम टॉप का पीस लेते हैं। अब मैंने टॉप का ले लिया है टुकड़ा, जो आगे और पीछे का पल्ला है हमारा अपर बॉडी पार्ट, और तो उसमें हम दोनों पीस इकट्ठे रख लेते हैं, इस तरह फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने पहले किया ही था फोल्ड। और अब गले की चौड़ाई हमने लगाई है 2.5 इंच, और नीचे की तरफ लगाया है मैंने 2 इंच। 2.5 और 2 का बॉक्स बना के मैंने दोनों गले कट कर लिए, आगे और पीछे का। अब पीछे का पल्ला हम निकाल देते हैं, और आगे वाले गले को थोड़ा सा डीप करेंगे। अब आगे वाले गले को हम 2 इंच और डीप कर देते हैं, जैसे 2 इंच हमने पहले कट किया है, तो 2 इंच और कट कर लेते हैं, 4 इंच गला हमारा आगे वाला हो जाएगा। तो इसे पहले सेट कर लेते हैं अच्छी तरह। अब हमने 2 इंच का निशान और लगा लेना है, आगे लगा लिया है वो निशान मैंने। अब हम इसे गोलाई में इस तरह कट कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ा लेना है आगे वाला, पीछे वाला नहीं काटना आपने। ये कट चुका है, तो अब हम पीछे वाले पल्ले में थोड़ा सा काम करते हैं। इसे हम रख लेंगे सीधा करके, जैसे भी हमारी तय लगी हुई है। अब हम इसमें 2 इंच का कट देंगे, ताकि कई बार जैसे बच्चों का सर वगैरह बड़ा हो तो उसके सर में फंस जाता है और वो पहना नहीं जाता, तो आप यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा के बटन लगा लो, वो इजीली पहनने में आएगा। तो आप यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लो छोटा सा, और इसे सीधा कट कर लो। यहाँ पे हम और पट्टी से पाइपिंग निकाल देंगे। ये लीजिए, हमने कट कर लिया इसको। अब हम इसे सिलेंगे। ये मेरे पास और पट्टी है, अब इनको हमने जोड़ लगा लेना है, जैसे ये थोड़े पीस थे इसमें वी शेप में इस तरह के जोड़ लगा लेते हैं। सारी पट्टियां हम इसी तरह जोड़ लेंगे। अब अरे पट्टी में तो जोड़ लगा लिया है, अब हम सबसे पहले इसके तीरे जोड़ लेंगे आपस में। इन तीरों को हमने बराबर रखना है और इसको सिल देना है। इन
इन सभी को दोनों साइड से इसी तरह सिल देते हैं। उसके बाद हम और पट्टी लगाना आपको दिखाएंगे। ये लीजिए, अब हमने इनको सिल दिया है। अब हम इस कट से, जो ये वाला कट है हमारा पीछे वाला, ये वाला, यहाँ से हम और पट्टी लगाना शुरू करते हैं और हम उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं लगाना। ये हमने इसको इसके ऊपर रखा और ढीला छोड़ के लगाएंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाकर लगा देते हैं यहाँ पे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधे इंच के करीब हम थोड़ा सा पाइपिंग को बढ़ा लेते हैं। ये जो कट है इसको बाद में लगाएंगे हम, पहले हम गोलाई में लगा लेते हैं। ना ही हम गले को खींच रहे हैं, ना ही पट्टी को खींच रहे हैं। ये देखिए, इसे हमने एंड तक लगा लेना है। अब ये देखिए, मैंने इस पे पाइपिंग लगा दी है, मतलब और पट्टी लगा दी है। अब ये हम सीधी साइड करेंगे इसे। अब एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे, एक बार इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा ऊपर की तरफ ये आ जाएगी पट्टी हमारी। अब मैंने पहले इसे आधा फोल्ड किया, फिर इसे डबल फोल्ड किया। ये पट्टी हमने ऊपर की तरफ दिखाकर फोल्ड करनी है। आप इसमें बारीक पाइपिंग भी लगा सकते हो और पट्टी को इनविजिबल भी लगा सकते हो, जो दिखे ना, लेकिन मुझे ये दिखानी है तो इसलिए मैं इसे सीधी तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह पूरे गले में हमने ये पट्टी फोल्ड कर देनी है। अब देखिए, गोलाई में हमने ये पट्टी लगा ली है। अब हम लगाएंगे इसे इस कट पे। ये मैंने अब और ये पट्टी ली है। अब हम थोड़ा सा इसे बढ़ाकर इसके नीचे रखेंगे, सीधी साइड को लगाएंगे। इसी तरह हमने सीधा ही लगा देना इसको। और अब हम इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पट्टी को एक बार फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करके इसे फिर ऊपर की तरफ एक फोल्ड और देंगे इस तरह, ठीक है। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड करके एंड पे, जो हम शुरू करते हैं सिलाई जहां से, और एंड पे, दोनों जगह हमने सिलाई डबल रखनी है, कहीं सिलाई हमारी टूटे ना बिल्कुल भी। और यहाँ पे हम थोड़ी ही ज्यादा पट्टी कट कर लेते हैं। और अब हम इसे अंत की तरफ फोल्ड करेंगे एक बार, फिर इसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम नौ पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। ये लीजिए, सिलाई हमने यहाँ पे डबल कर दी है दोनों साइड से। अब ये थोड़ा सा देखिए यहाँ से उठ रही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे पट्टी को हम कर देते हैं बराबर, इसे ऊपर से हम कर लेते हैं बराबर इस तरह। ये धागा इसे कट कर देंगे और इसे पकड़कर इस तरह एक स्टिच दे देंगे नीचे की तरफ, तो ये पट्टी हमारी सीधी हो जाएगी, यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा, कहने का मतलब है। ये लीजिए, ये यहाँ पे इस तरह हमारा वी शेप का एक कॉर्नर बन गया और यहाँ पे ये पट्टी सीधी हो गई। अब हम गला डालेंगे तो हमारा फंसेगा नहीं। यहाँ पे हम एक हुक भी लगा सकते हैं और एक मैं बटन बाद में आपको लगा के दिखा दूंगी। अब हम क्या करते हैं, जो इसकी फ्रिल है उसको हमने जोड़ना है इसके साथ, तो फ्रिल बनानी है पहले।
फ्रिटिल बनाने का बहुत ही इजी, मतलब आपको बिल्कुल मस्त सा तरीका बताऊंगी कि एक मिनट में आपकी फ्रिल बन जाएगी और आपको कहीं भी चुनर नहीं देने पड़ेंगे। अब देखिए, पहले हम कमर की इस तरह चौड़ाई नाप लेते हैं कितनी हमने रखी है। हमने 18 इंच के करीब यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये देखिए छोटे साइज की इलास्टिक है। ये जो इलास्टिक है मेरी बिल्कुल मतलब एक इंच का चौथा हिस्सा है, 2 पॉइंट चौड़ी है, ये सबसे पतले वाली इलास्टिक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 इंच के दो पीस कट कर लेंगे इस तरह, 16, 17, 18, ये 18 हो गया। 18 इंच की दो कमर हमारी बननी है आगे और पीछे की। तो यहाँ पे 18 इंच की मैं दो मतलब इलास्टिक कट कर लेती हूँ इस तरह। ये लीजिए, एक इलास्टिक पे मैं आपको फ्रिल बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है कपड़ा जिस पे हमने फ्रिल बनानी है। ये उल्टी साइड है इसकी, उल्टी साइड हमने अपनी तरफ रखनी है, सीधी साइड नीचे होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक किनारे पे इसको सिलना शुरू करेंगे, थोड़ा सा सिल लेते हैं। उसके बाद अब हमने इलास्टिक को इस तरह खींच लेना है। देखिए इलास्टिक को हम खींचेंगे, कपड़ा ढीला ही रहना है, कपड़ा तो खींच सकता नहीं है, इलास्टिक खींच लेते हैं और यहाँ से अब हम इसे सिलते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रिल बनाने का। ये देखिए कितनी अच्छी फ्रिल ये बन रही है। तो ये मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया था जब हमने एक बार फ्रॉक सीखी थी बनानी, तो उस पर हमने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आज काम आ गया ये। तो ये देखिए जब हम बेबी पजामियाँ बनाते हैं, जैसे बरमुडा वगैरह छोटे बच्चों का बनाते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही फ्रिल हम लगाते हैं। ये देखिए ये फ्रिल कितनी अच्छी बन गई है। अब हम पूरे में हमने 18 इंच के करीब ये जो हमारी फ्रिल है, जितना इलास्टिक में कपड़ा आ जाए उतने में हम लगाएंगे, बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वो निकाल देंगे। 18 इंच इलास्टिक में जितना भी कपड़ा आपका खींचने में सेट आ रहा है वो हम ले लेते हैं। ये लीजिए, देखिए पूरी हमारी फ्रिल बन गई है। यहाँ पे 3 इंच के करीब कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हुआ है, उसे हम यहाँ पे काट देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी फ्रिल हमें कंप्लीट मिल गई है। ये लीजिए कितनी सुंदर बनी है। और अब हम इसे लगा देते हैं किसी भी एक साइड में। और एक साइड में लगाने से पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा थोड़ा ज्यादा रखा था, वो इसलिए रखा था कि नीचे से कपड़ा खुला रहेगा। तो इसे हम हल्का सा पहले फोल्ड कर देते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर लें, मेरे पास है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, बस फोल्ड करके ही दिखाऊंगी क्योंकि इंटरलॉक की मशीन हर घर में नहीं होती है। किसी जगह से भी हमने कच्चा काम नहीं करना कि बाद में धागे वगैरह निकले। ये लीजिए, ये हमारी नीचे से फोल्डिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्रिल अटैच करते हैं, सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक में दोनों साइड लगा लेते हैं। तो अब हमने खींचना नहीं है इसको बिल्कुल भी, और जिस तरह हमारी सिली गई है उसी तरह हम इसे इसके ऊपर रखकर सिल देंगे। अब आपने बस सफाई का ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपका कपड़ा सिलाई में ना आए, ऊपर वाला फ्रिल का ऊपर ही रहे। अब आपने इसे अपने हाथों से अच्छी तरह सेट करते जाना है और खींचना नहीं है बिल्कुल भी, इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि इलास्टिक अगर खींच गई तो नीचे की कमर भी खींच जाएगी। और ये इस कपड़े के ऊपर ही सिलना है, रख के ध्यान रखें नीचे से निकल ना जाए कपड़ा। ऐसी फ्रिल बच्चों की सॉक्स में भी होती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है ये बनी हुई और पहनी हुई। लीजिए ये थोड़ा सा जो बढ़ जाएगा उसे हम बाद में कट कर देंगे, ये इसके ऊपर लग जाए। बस नीचे वाले कपड़े का आप ध्यान रखो कहीं वो हट ना जाए। लीजिए अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे। अब आप देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये देखिए इसके ऊपर कितनी ग्रेस आ रही है। और रेडीमेड में ऑलरेडी ऐसी लगी होती हैं काफ़ी सारी, रेडीमेड को टॉप्स में होता है ऐसा, तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा जब हम इसको रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी
अब ये देखिए इसमें मैंने इस तरह लगा दिया है और ये फ्रिल अटैच हो गई है। अब एक बार हम इसे प्रेस करेंगे तो ये फ्रिल इस तरह ऊपर की तरफ रहेगी और इसकी ग्रेस बहुत अच्छी आती है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह हमने स्लीव रेडी करनी है। इसको हम रखते हैं साइड में, स्लीव की आगे का जो घेरा है वो हम नाप लेते हैं कि कितना है, उतने ही हमने इलास्टिक लेनी है। आप एक आधा इंच कम ले सकते हो क्योंकि जब भी हम इलास्टिक को जोड़ते हैं तो ये हल्की सी बढ़ जाती है। ये लीजिए, ये इलास्टिक मैंने ले ली है, एक स्लीव को बराबर करके ली है, अब दूसरी को हम इसके बराबर कट कर देंगे। तो चलिए अब हम जो छोटे वाली हमारी पट्टी थी कपड़े की उसके ऊपर स्लीव की फ्रिल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे, थोड़ा सा पहले सिल लेंगे हल्का सा, सेम उसी तरह हमने स्लीव की फ्रिल भी रेडी कर लेनी है। लीजिए जितनी हमारी इलास्टिक थी उतनी हमने रेडी कर ली है, बाकी की हम कट कर देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, बस इतना ही हमारा ये स्लीव के आगे लगेगा। तो चलिए एक स्लीव हम लगा लेते हैं, इसी तरह सेम उसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से हमने अपने टॉप के नीचे फ्रिल लगाई है। तो इसे हम इस तरह साइड से कॉर्नर से पकड़ते हैं और इसके ऊपर रखते हैं और सिल देते हैं। खींचना बिल्कुल नहीं है आपने कपड़े को, और नीचे के कपड़े का ध्यान रखना है, ये कपड़ा आपकी फ्रिल से नीचे ना चला जाए, इस चीज का ध्यान रखें। ये लीजिए एक स्लीव में इसी तरह फ्रिल लग चुकी है, अब दूसरी में भी लगा लेते हैं। ये हल्की सी बढ़ जाती है जब हम लगाते हैं। तो ये लीजिए ये हमारी इस तरह हो गई है। अब हम इसे प्रेस करके इस तरह बिठा देंगे एक बार और नीचे भी एक बार प्रेस कर देते हैं। तो सेम इसी तरह दूसरी रेडी कर लो। अब फ्रिल हमने अटैच कर ली है, अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। साइड से तो हम पूरा रखेंगे और इस तरह शेप दे देंगे इसको। इस तरह हमने इसे सिल लिया। अब दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह। और आपने फ्रिल को ऊपर की तरफ ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखें फ्रिल का फेस ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ ना हो जाए सिलाई लगाते लगाते। और यहाँ पे साइड तक इसको सिल देते हैं, फिर इसको स्लीव अटैच करके देखेंगे। अब साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हम स्लीव में फिटिंग की सिलाई दे देते हैं, उसके बाद हम स्लीव जोड़ेंगे और ये टॉप बहुत ही प्यारा बनेगा। मैं आपको पूरा पहन के दिखाऊंगी। इसमें हमने फिटिंग की सिलाई दे देनी है, यहाँ पे जितना घेरा रखना है बाजू का आगे से उतना रख लेंगे और फिर ऊपर की तरफ इसको फ्रिल का फेस ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह। अब हम इसको एंड पे सिल देते हैं। ये लीजिए ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसका जो आर्म होल है उसमें हल्की सी आगे की शेप दे देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा जो होता है आगे वाले हिस्से में ही देनी है, ज्यादा नहीं देनी हमने, बिल्कुल जितनी सूट में देते हैं उतनी नहीं देनी, टॉप में हम बिल्कुल थोड़ी सी देंगे ताकि यहाँ पे झोल भी ना आए और अच्छी तरह बाजू सेट हो जाए। वैसे टॉप वगैरह में हम ये वाली काट नहीं डालते हैं, लेकिन अगर घर पे बना रहे हैं तो हम डाल सकते हैं, रेडीमेड में तो डली नहीं होती, इसलिए डाल रहे हैं कि यहाँ पे झोल ना आए बिल्कुल भी। इसे हम यहाँ पे दोनों साइड हल्की हल्की सी, मैंने सिर्फ आधे इंच की काट ही डाली है, ज्यादा नहीं डाली, बस इस तरह हम काट डाल देंगे। और अब बाजू को लगाना शुरू करते हैं। एक स्लीव ले लेते हैं, स्लीव के आगे हमने काट नहीं डाली है, बस इसी तरह हमने इसको जोड़ देना है क्योंकि टॉप होते हैं बहुत ज्यादा फिटिंग में नहीं डाले जाते हैं, वो थोड़े से लूज ही होते हैं। आप बचे हुए कपड़े से इस तरह अगर टॉप एक बार बनाओगे तो बच्चे बहुत दिल से पहनेंगे इसे। आप इसे अब जोड़ दीजिए स्लीव को। अभी मैं थोड़े दिन
अभी जो वीडियोस आएंगी नई नई, तो उनमें मैं थोड़ा बच्चों का बताऊंगी अब। एक मैंने फ्रॉक की वीडियो भी बनाई है, वो भी डालूंगी, बहुत अच्छी बनी है वो भी। ये लीजिए, एक स्लीव हमारी लग चुकी है, इसी तरह हम दूसरी स्लीव लगा लेते हैं। ये लीजिए, अब हम दूसरी स्लीव रेडी करके यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, वो भी दिखाऊंगी आपको। अब ये देखिए, टॉप हमारा रेडी हो गया है, स्लीव हमने अटैच कर दी है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है देखने में। पहन के हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बाद में पहले इसे यहाँ पे एक लूप लगाकर बटन अटैच करेंगे। ये मैंने डोरी बनाई हुई है, डोरी को हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरह। किसी भी एक साइड लगा दीजिए आप इसे, इस तरह लगा दीजिए, इतना बढ़ाकर, क्योंकि ये बटन इसके अंदर आ जाए और ये खुले ना, मतलब जब हम पहने तो बुरा लगता है खुला हुआ। अब हम इसे यहाँ पे रखते हैं, रखने के बाद इसके ऊपर 2-3 सिलाइयां लगा देते हैं। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सुई से इसे अटैच कर सकते हो। एक्स्ट्रा कट कर देते हैं और एक बटन लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये बटन लिया है, इसे अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे सुई की हेल्प से। तो ये सुई मैंने ली है, 4 लेयर धागा डाल लिया इसमें। तो यहाँ पे अब हम बटन को ऊपर की तरफ लगाएंगे। लूपी तो हमने नीचे की तरफ लगाई है, लेकिन बटन हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब हम इसमें इसको पक्का कर देते हैं अच्छी तरह। यहाँ पे जब हम बांधते हैं इसको बटन को लूपी के साथ, थोड़ा सा प्रेशर आता है, इसलिए इस बटन को हमने बहुत पक्का करके लगाना है। 4-5 टांके इस पे लगा देने हैं आपने। अब इसमें बटन हमारा इस तरह लग जाएगा, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये सेट आ जाएगा। तो ये देखिए, टॉप हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, गला बाजू ये सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके। तो अब हम इसको पहन के दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए, टॉप हमने पहन लिया है, अब हम आपको पूरे में घूम के दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये बना हुआ, और बहुत ही प्रिटी ये इसकी फिटिंग आई है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।